इस वक्त हम लोग अपने घर से निकलकर आजमगढ़ रहमत नगर में आ चुके हैं, और चूंकि हम लोग मेरी बहन रहमत नगर में रहती हैं और हम लोग आए हैं उनसे मुलाकात के लिए भी और शादी में भी आए हैं। मेरे बड़े अब्बू के नवासे की शादी थी। अस्सलाम वालेकुम। तो अपनी बहन के घर हम लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं और मिलकर बातें करेंगे। बात करके जो है थोड़ा उनके घर रुकेंगे, ठहरेंगे 1 घंटा, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे होटल में जहाँ वलीमा है। और ये मेरी बहन वहाँ पेड़ लगा हुआ था, कुछ तोड़ रही थी पूनम, और ये है रूबी। दोनों लोग हम लोग चल रहे हैं उनके घर के लिए, घर की तरफ। ही उनका घर का गेट है मेरी बहन का, और उनका मकान जो है बिल्कुल न्यू बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं उनके घर में। ये सारा जा रही हैं और ये फैसल जा रहे हैं। मेरी बहन ये खड़ी हुई है नीले रंग का सूट पहनकर, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर्दा होता है तो इसलिए हम लोग चेहरा दिखा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। और ये है मेरी बहन की सास, जो इस वक्त बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो इसलिए इनको हम दिखा दिए हैं। जो है अम्मा अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं बहुत अच्छे से, प्यारे से, क्यूट से अली, इनका नाम है अली, और वो सारा हैं। अली बहुत प्यारे, बहुत अच्छे से हैं। ये हमारी बहन के पोते हैं और ये सारा भी हैं। बहन हमारी कुछ बच्चों में बांट रही हैं खाने वाला, जो लोग काफी दिलचस्पी से लगे हुए हैं खा रहे हैं। बच्चे लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये बैठे हैं फैसल, जो हम लोगों को गाड़ी चला कर लेकर आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चलाए, और जो है हम लोग अच्छे से रहमत नगर पहुंच गए। और ये मेरी बहन का जो घर बना हुआ है बिल्कुल न्यू बना हुआ है, और माशाल्लाह ये घर जो मेरी बहन बनवाई है ना, तो बहुत अच्छा बनवाई है, बहुत प्यारा घर बनवाई है। नीचे का सब टाइल्स पत्थर सब लगा हुआ है। और ये अली जो हैं बैठे हैं देख रहे हैं। और मेरी बहन का ये रूम है जिसमें हम लोग इसी में बैठे हुए थे। जो है अली जो है मेरी बहन का पीछा छोड़ते नहीं, बहुत परखे हुए हैं उनको, अपनी दादी के साथ ही साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ खाना पीना इनका लगा रहता है। और जो है अब ये अली का बिस्तर बेड लगा हुआ है, अली इस पर लेटते हैं, रबड़ फलिया इनका बिछा हुआ है। और हम लोगों को लगी हुई थी भूख, हम लोग शादी का खाना थोड़ा बहुत खाए थे, पूरा नहीं खाए थे। तो मेरी बहन के घर जो बना हुआ था, स्टू बना हुआ था, दाल बनी हुई थी, दाल फ्राई थी, पुलाव था, रोटी थी, सलाद था, ये सब हम थोड़ा थोड़ा हम लोग खा लिए, क्योंकि हम लोगों को गाड़ी में थोड़ा चक्कर उल्टी टाइप का रहता है, तो इसलिए शादी का खाना बिल्कुल अब पसंद नहीं आया। तो मेरी बहन जो बनवाई थी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, हम लोग को अच्छे से मजे लेके नमो नमो को खाए और थोड़ा इंजॉय भी किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे भाई बहनोई जो माशाल्लाह जो है लेटे हुए हैं और बिल्कुल हाजी लग रहे हैं, और ये उनके पोते हैं अली, दूध पी रहे हैं। मेरी बहन लोग इसी में बैठे हुए हैं, और बाहर बहुत गर्मी थी तो इसलिए अंदर ही हम लोग बैठे हुए हैं। और अभी चाय पानी सब बन रहा है, और ये अयान गए हुए हैं, और ये है सारा बैठी गाड़ी चला रही हैं, तो हम लोग उसी में बैठे हुए हैं। ये लोग आपस में सब खेल रहे हैं बच्चे लोग, ये लोग खूब मस्ती एंजॉय किए। और अब आ गई हम लोगों की चाय, नमकीन, बिस्किट। और ये हैं बुर्राक जो लेटे हुए हैं, बहुत सीधे हैं बुर्राक, बिल्कुल रोते नहीं। जब से हम लोग गए हैं बस सोए थे और उठे थे बैठे थे, बिल्कुल रोए नहीं। ये फसल लेकर बैठे हुए हैं और सोकर उठे हुए, अभी कुछ दूध भी नहीं पिए हैं, बहुत सीधे हैं ये बुर्राक। और जब हम लोग रास्ते में थे तो बस सोच रहे थे कितनी जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएं, घर पहुंच जाएं, तो मसाला घर पहुंच गए और इंजॉय भी खूब कर रहे हैं। ये हैं सेकू जो बुर्राक को लेकर बैठे हुए हैं, उनको जो है परेशान कर रहे हैं, पर इतने सीधे हैं, इतने अच्छे हैं कि रोते नहीं। और सेखू उनके साथ मस्ती कर रहे हैं बुर्राक के साथ।
चूँकि और हम लोगों को अभी वलीमा में भी जाना है, तो वलीमा जो है बड़े अब्बू के नवासे का है और मेरे बड़े अब्बू की लड़की है उनके बेटे का है, तो इसलिए हम लोग अभी थोड़ा यहाँ बात रह कर लेंगे, बहन के घर रह लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर हम लोगों को शाम में वलीमा में जाना है और बहन भी जाएंगी वलीमे में, तो इसलिए थोड़ा यहाँ वक्त बिता लेंगे, उसके बाद शाम में जाएंगे, थोड़ी देर बस वलीमे में रहेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, शामिल पूरा मतलब टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमको घर वापस जाना भी है, तो इसीलिए जल्दी करेंगे, तो यहाँ से जितनी जल्दी हम लोग निकलेंगे वहाँ से होकर फिर घर चले जाएंगे, तो का दिखाएंगे उपटन का और शादी का, तो अभी तो हम अपनी बहन का घर का दिखा रहे हैं, बच्चों का दिखा रहे हैं, तो जो है अभी रहमत नगर के पड़ोसियों को भी दिखा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छी बाग लगी हुई है, और ये मेरी बहन का जो घर है वो हम आप लोगों को दिखा दें जो न्यू बना हुआ है हर तरफ ले जाके, और अभी हम जो है रहमत नगर पीछे दो गेट लगा हुआ है, एक आगे गेट लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है, तो पीछे वाले में बाग बहुत अच्छी है, और उसमें ये तो मेरी बहन का रूम है, और हाँ ये रूम सेकंड वाली बहू का है मेरी बहन की, और जो मेरी बहन की बेटी आजू है वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, कितनी प्यारी लगाई हुई है देखिए, और ये हम लगाए हैं गोबरेची, और उसके बाद ये वाली देखिए कितनी प्यारी आरजू लगाई है, और ये हम लोगों के लिए जूस आया है, और ये देखिए रहमत नगर के पड़ोसियों की बड़ा अच्छा गमला लगाए हुए थे तो हमने काला दिखा दे, और ये देखिए रहमत नगर के मेरी घर के पीछे मेरी बहन के घर के पीछे जो गेट लगा हुआ है उसमें कितनी प्यारी बाग लगी है, इतने अच्छे अच्छे देखिए आम लटके हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे कि हम काला वीडियो बनाकर दिखा दें, अभी मेरी बहन बाहर खोल कर वीडियो बनाएंगी, ये देखिए जा रही हैं और ये जाकर आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रही हैं, कितना अच्छा जो है इतनी अच्छी बाग है देखिए कि गांव में देखने को मिलती है पर ये शहर के अंदर बाग है, और कितनी प्यारी बाग है, ये बाग के लिए ये लोग थोड़ा सा बाहर भी हो गई, देखिए कितनी अच्छी जो है आमिया निकली हुई है, ये जब पकेगी तो और भी प्यारी हो जाएगी, और बहुत बड़ी बाग है, सब में आम भरे हुए हैं, एकदम फुल आम है, एक भी कहीं भी खाली नहीं है, खूब आम लटके हुए हैं, और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा पेड़ लग रहा है, इतना प्यारा कि बता नहीं सकते, बहुत मेरी बहन लोग देखकर बहुत खुश हुई, कह रही थी जा, और ये पड़ोसी लोग हैं जो है यहाँ पर मकान बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, और देखिए बैठे भी हुए हैं, मकान बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं बड़े बड़े सब, और हम लोग जाने का वक्त हो गया है, सब लोग पहुँचाने आ गए हम लोगों के गेट पे, मेरी बहन धानी रंग का कपड़ा जो पहनी मेरी बहन है, बस इसी तरह हम लोग आते जाते रहे, खुशियां इसी तरह बनी रहे, तो अब टाइम हो गया है अलविदा कहने का, जाने का, और सब लोग हम लोगों को पहुंचाने के लिए आ गए, ये अयान जो बैग लेकर आए हुए हैं और गाड़ी तक सब लोग आ गए पहुंचाने, तो आइए चलिए उपटन में और वलीमा में शामिल हो जाते हैं, और आप लोग बस इसी तरह बने रहिए। तो उपटन अब हो चुका, अब हम लोग आ चुके हैं वलीमा में, वलीमा में हमने फोटो लगा दी बहू की, और यह है वलीमा, माशाल्लाह बहुत अच्छा वलीमा हुआ था, खाना खाने का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा, सारे आइटम बने हुए थे, बहुत सजावट भी बहुत, डेकोरेशन जो हुई थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी, और ये है अली जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अली खूब मस्ती कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
अली अली सुन लो, इधर आओ, आ जा लो, वो नहीं आएंगे अली, वो बहुत खुश हैं अपनी धुन में, आएंगे नहीं अली, बस इसी तरह देखते देखते वक्त बीत गया और हम लोग घर के लिए वापस आ गए। फिर बने रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।